नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामला बाउंस साइन फिर से सॉल्व करता हूं। बारिश का सीजन है और इस टाइम पे जो एयर लेयरिंग है उसका वीडियो मैंने डाल दिया, जो कटिंग से कैसे हम प्लांट ग्रो करें उसका वीडियो मैंने डाल दिया और कौन कौन से प्लांट हमें चूज करने हैं वो वीडियो हमने डाल दिया। अब बारी आती है सीड्स की, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फूलों का, यानी कि कौन कौन से फूलों के सीड्स हमें लगाने चाहिए ताकि हम सर्दियों में सही टाइम पे फ्लोरिंग पा सके। तो मैं आपको 10 ऐसे फ्लोर प्लांट्स बताऊंगा जो कि सर्दियों में फ्लोरिंग देंगे। जो सीड्स मैं आपको बताऊंगा वो आप अगस्त सितंबर तक लगा सकते हैं। जितना आप जल्दी लगाएंगे उतना अच्छा होगा, उतनी जल्दी फ्लोरिंग आपको मिल जाएगी सर्दियों में, अदरवाइज लेट मिलेगी और कम टाइम तक फ्लोरिंग रहेगी। तो कोशिश कीजिए कि सही टाइम पर आप लगा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक, मैरीगोल्ड। जो मैरीगोल्ड के जो फ्लोर होते हैं वो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा होगा हमने खेत में लगाए थे कितने सारे ढेर सारे, और काफ़ी तरह के उसमें जो फूल है वो थे। मैरीगोल्ड के अंदर एक रेड कलर का होता है जिनको जाफरी बोलते हैं, छोटे साइज़ का होता है, और जो गेंदे बड़े होते हैं वो भी हमने लगाए थे, और इस बार भी मैंने जो उनकी पौध है वो डाल दी है। जर्मिनेशन भी हो चुकी है। गेंदे के फूल के बहुत से बेनिफिट होते हैं, अगर आप गार्डन एरिया में लगाते हैं तो सिर्फ आपको फ्लोर्स नहीं उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। आपके गार्डन एरिया में क्या है, जो बीज है यानी कि जो मधुमक्खियाँ हैं वो आती है जिससे कि पोलिनेशन का काम होते हैं। नंबर दो, डेलिया। डेलिया के फूल भी काफ़ी अच्छे होते हैं। आपने लास्ट टाइम देखो हमने लगाए थे, छोटे छोटे थे लेकिन हमारे हाइब्रिड नहीं थे, लेकिन जो कलरफुल है वो थे। तो 3-4 कलर के मेरे पास फूल थे, उनके सीड्स भी मैंने कलेक्ट किए थे जो कि मैं आप लगाऊंगा। हाइब्रिड सीड्स है या देसी सीड्स है जो भी आपके पास है आप लगा दीजिए। उनके सीड्स अगर आप अभी ग्रो करेंगे तो सही टाइम पे जो फ्लोरिंग आपको मिलेगी, अदरवाइज लेट मिलेगी। मैं हर साल क्या करता हूँ आपको वीडियो दिखाने के लिए मैं लेट हो जाता हूँ, क्योंकि मैं आपको अपडेट के साथ वीडियो दिखाता हूँ तो इसलिए लेट हो जाता हूँ। इस बार मैंने सोचा कि आपको सही टाइम पे जब सीड्स लगाने होते उस टाइम पे एक वीडियो डाल के दिखा देते हैं कि कौन कौन से सीड्स आप लगा सकते हैं। उसके बाद जब भी मैं ग्रो करूंगा तो उसका अपडेट के साथ वीडियो दोबारा दिखा दूंगा। अगर आपको ये देखने के जो भी मैं सीड्स अभी आपको बता रहा हूँ उनको कैसे ग्रो कर सकते हैं तो उनके वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूँ, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप मेरे चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं। डहेलिया को आप कटिंग से भी इस टाइम पे ग्रो कर सकते हैं, और बल्ब आपके पास है तो वो भी आप लगा दीजिए। तो तीनों तरह से आप डहेलिया को इस टाइम पे ग्रो कर सकते हैं। नंबर तीन, गुलदावरी। गुलदावरी का फूल भी काफ़ी अच्छा होता है। सर्दियों में काफ़ी ढेर सारे फूल खिलते हैं, काफ़ी रंग बिरंगे होते हैं, काफ़ी तरह के होते हैं। इनका जो साइज़ है वो छोटा भी होता है, बड़े साइज़ के भी होते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था जब हम नर्सरी में गए थे, उस टाइम पे काफ़ी फूल वहाँ पे थे, वो सब मैंने आपको दिखाए थे कैसे कैसे वैरायटी के। मेरे पास भी 5-6 कलर के जो फूल है वो है। तो गुलदावरी के अगर आप सीड्स ट्राई करना चाहते हैं तो इस टाइम पे लगा सकते हैं। हालांकि इसके सीड्स जो है इतने ईजिली ग्रो नहीं करते, क्योंकि सीड्स जो है मेच्योर नहीं हो पाते, कच्चे सीड्स हम कलेक्ट कर लेते हैं जो कि ग्रो नहीं होते। तो इसका एक दूसरा जो ऑप्शन है वो कटिंग से, आप कटिंग से इसको ग्रो कर सकते हैं इस टाइम पे। तो आपका जो फ्लोरिंग सीजन है जब आएगा उस टाइम पे वो प्लांट फूल देना स्टार्ट कर देंगे। तो गुलदावरी आप लगाइए, काफ़ी अच्छा आपके गार्डन एरिया को पूरा महका देगा, या बाउंड्री पे लगा सकते हैं, पूरा प्लांट जो है वो फूलों से भर जाता है। तो ये आप लगाइए। नंबर चार, गजनिया। गजनिया का फूल आपने देखा होगा काफ़ी कलर के होते हैं, और उसके अंदर एक पत्ती के अंदर दो दो तीन तीन शेड भी होती है। लास्ट टाइम भी मैं एक प्लांट लेके आया था नर्सरी से, और मैंने कुछ सीड्स भी लगाए थे जो कि बाद में मुझे पता चला कि वो ग्रो हो गए हैं, तो मैंने उनको निकाल कर जो पॉट में शिफ्ट किया था। जिस पॉट में मैंने उसको लगाया, मैंने स्टोरी में दिखाया था, यूट्यूब स्टोरी में मैंने डाला था, तो उसके पूरा जो फूलों से भर गया था। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो इसके सीड्स भी अगर आप अब लगाएंगे तो आपको सही टाइम पे जो फूल है वो मिल जाएंगे। नंबर पाँच, पिटूनिया। पिटूनियों का फूल जो है वो सिंगल पेटल में होते हैं, और वो क्या है, हैंगिंग पॉट के लिए बहुत बेस्ट है। हैंगिंग पॉट अगर आपको अच्छा लगता है तो हैंगिंग पॉट के लिए आप ये प्लांट ग्रो कर सकते हैं। सीड से पहले इसकी पौध तैयार कर लीजिए, जब प्लांट तैयार हो जाए तब आप उनको हैंगिंग पॉट में लगाकर हैंगिंग पॉट तैयार कर सकते हैं। पिटूनिया भी पूरे सर्दी फ्लोरिंग देंगे, और उसके बाद सीजन के बाद तक भी कुछ दिन तक अगर आप थोड़ी अच्छी सी केयर करेंगे तो फ्लोरिंग देते रहते हैं। नंबर 6, डेंथस। डेंथस को आपने देखा होगा, डेंथस के छोटे छोटे फूल होते हैं बिल्कुल, जो कि काफ़ी कलर के होते हैं, जिनके अंदर अलग अलग शेड होती है, रेड कलर के भी होते हैं, थोड़े पिंक कलर के भी होते हैं। डेंथस को भी आप हैंगिंग पॉट के अंदर ग्रो कर सकते हैं, और इसके सीड्स आपके पास है तो अभी आप ट्राई कर सकते हैं, इसके सीड्स लगा सकते हैं। नंबर 7, कैलेंडुला। कैलेंडुला भी मैंने लास्ट टाइम लगाया था, मेरे पास दो तरह के थे, एक तो येलो था लाइट कलर का, एक था डार्क कलर का, और दोनों ही काफ़ी खूबसूरत है। इसमें भी एक सिंगल पेटल आ जाता है जो कि इतना अच्छा नहीं लगता, जो ज़्यादा पेटल्स के अंदर होता है वो काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो मैंने उनके जो सीड्स है वो कलेक्ट किए थे जो कि अब मैं ग्रो करूंगा। कैंडुला को अगर आप लेट भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा, यानी कि सितंबर के एंड तक भी लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन इनका जैसे गर्मी आएगी इनके फूलों का साइज कम हो जाता है और फ्लोरिंग देना कम कर देते हैं। नंबर 8, पैंसी। पैंसी के फूल भी काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, अगर उनके सीड्स आपके पास है तो वो आप ग्रो कर सकते हैं। पैंसी के मैंने अब तक सीड्स से ग्रो नहीं किए हैं, अगर मुझे मिल गए इसके सीड्स तो वो भी मैं ग्रो करूंगा। नंबर 9, साल्विया। इसके फूल भी इस तरह से ऊपर की तरफ लगे होते हैं, यानी कि सिंगल सिंगल इस तरह से नहीं लगे होते,
तो ये भी आप लगा सकते हैं, ये भी काफ़ी कलर में आपको मिल जाएंगे। नंबर 10 पोपी, जो आप पोपी के सीड्स ग्रो कर सकते हैं, इस टाइम पे पोपी के सीड्स लगाइए, पूरी सर्दी फ्लोरिंग देगा और इसमें भी सिंगल पेटल और ज़्यादा पूरा भरा हुआ फूल भी आता है। मैंने ग्रो किया था एक बार क्यारी में लगाया था, पूरी क्यारी फूलों से भर गई थी। और इसके जो बर्ड्स है, जब फूल आने से पहले इस तरह से मुड़ा होता है नीचे की तरफ, बाद में जैसे जैसे खिलता जाएगा ऊपर की तरफ होता जाएगा। तो ये कुछ सीड्स ऐसे हैं जो आप सर्दियों के लिए अभी लगाएंगे तो सर्दियों में जाके आपको सही टाइम पे जो फ्लोरिंग है वो देंगे। वैसे तो और भी काफ़ी ऐसे सीड्स हैं जिनको सर्दियों के लिए आप ग्रो कर सकते हैं, कोशिश करूँगा उनको ये नाम भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँ। जो सीड्स मैंने बताई ये कॉमन है, मोस्टली हर जगह पे मिल भी जाते हैं इजीली। बाकी आप भी सजेस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में कि और कौन कौन से सीड्स जो है वो हम इस टाइम पे ग्रो कर सकते हैं, ताकि जो जो हमारे व्यूअर्स हैं वो कमेंट्स जब रीड करें तो आपके कमेंट्स रीड करके भी उनको कुछ जानकारी मिले। मैंने लास्ट वीडियो में भी इस तरह से कहा था कि आप भी सजेस्ट किया करें कमेंट बॉक्स में, तो काफ़ी लोगों ने जो है सजेस्ट किया था, जैसे कि एयर लेयरिंग के बारे में मैंने पूछा था कोई टिप्स दीजिए, तो काफ़ी लोगों ने वहाँ पे टिप्स दिए थे कमेंट बॉक्स में। इससे क्या है, हमें एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर करने से क्या नॉलेज बढ़ती है, तो इससे मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कौन कौन से सीड्स और जो ऐसे हैं जो हम ट्राई कर सकते हैं। ओके दोस्तों, होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे ममल बोनसाई यूजर आईडी है मेरी, वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।